मेरा सवाल ये है हजरत, बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल करो और रिस्क जो जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, तो इसमें जो है ना, लेकिन हम देखते हैं कि बाज अफराद असबाब अख्तियार करते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर आते हैं और वो ज्यादा रिस्क बजहरी बनाते हैं, तो इसमें क्या रिस्क की तकसीम बदलती है अगर वो असबाब अख्तियार करते हैं? दूसरा सवाल ये है कि बाज अफराद जैसे कि माशरे में रिस्क हासिल करने का तरीका जो है वो सही नहीं है, रिस्क है उसमें, यानी पता नहीं है। अच्छा, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई, तो ये हजरत सवाल कर रहे थे, एक सवाल तो मैं समझ आ गया। बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं बिल्कुल, वो जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान में थे तो थोड़ा कमा रहे थे, अमेरिका आ गए गैर मुल्क में आ गए तो ज़्यादा कमाने लगे, तो क्या जगह बदलने से रिस्क बढ़ गया? नहीं, जो लोहे महफूज पे तकदीर के नोश्ते में जितना रिस्क लिखा उतना ही मिलना है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये अमरीका में मिलेगा उसको, ये इंग्लैंड में मिलेगा, ये जर्मनी फ्रांस में मिलेगा, दूसरे मुल्क में जाएगा सऊदीया में मिलेगा, तो ये भी वहाँ लिखा होता है। तो पाकिस्तान में रहेगा तो इतना मिलेगा, अब वो ज़्यादा मिलना है तो ज़्यादा मिलने के लिए अमेरिका आ गया तो अमेरिका में मिलेगा, तो मिल वो नौशता तकदीर में जो लिखा है वो मिल रहा है, क्योंकि तकदीर में जो लिखा मुकद्दर से एक दाना ज़्यादा नहीं होना, एक दाना कम नहीं होना, पूरा वही मिलना है। और ये तो बच्चा माँ के पेट में ठहरता उसी वक्त फरिश्ता लिख देता है कि इसका रिज़्क कितना लिखा जाएगा, और लिख दिया जाता है, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ने उसकी जगह मुतय्यन की कर रखी है, उसी हिसाब से उसको मिलता है, किस मुकाम पे मिलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ सफ़र करेगा और क्या तदबीर इख्तियार करेगा, तो वो नौशते तकदीर में लिखा उसी हिसाब से मिलता है। और दूसरा जो सवाल है कि इंसान हराम रास्ते से कमाता है और वो बहुत ज़्यादा कमा लेता है, तो ये क्या, ये कैसे हो गया, वो तकदीर में लिखा हुआ था? उसका जवाब बड़ा अच्छा सवाल किया ये आपने, इसका जवाब भी आप समझ लें, क्योंकि बहुत से लोग ये शुबा करते हैं और जी हराम रोज़ी, ये सूद के ज़रिए से इतना पैसा बना लिया, जुए के ज़रिए से इतना कमा लिया, तो अगर ये भी तकदीर में लिखा हुआ था तो इस बेचारे का क्या कसूर है? हैं, तो ये तो हराम अगर लिखा है तो उसको तो हराम मिल रहा है, तो फिर गुनाह किस बात का? असल में बात यह है कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी खूबसूरत हदीस है, फरमाया कि जो रिज़क मुकद्दर लिखा गया है वो रिज़क तुम्हें मिल के रहना है, वो तुम्हें मिल के रहना है, तुम उस मुकद्दर रिज़क को हासिल करने में जल्दबाजी से काम ना लो कि उस हलाल को हराम कर लो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो मुकद्दर रिज़क आपका लिखा हुआ आपको मिलना है, लेकिन आप उसके हासिल करने में जल्दी ना करें, उस जल्दी करने के चक्कर में हलाल को हराम कर लें, मतलब आप जुआ खेलना शुरू कर दिया, अब जुए के जरिए से वो आपको वो हलाल जो था वो हराम होकर अब आपको मिल रहा है, आपने सूद का बिजनेस शुरू कर दिया, वो इंटरेस्ट के रास्ते से वो हलाल जो लिखा हुआ था वो हराम होकर अब आपको मिल रहा है, तो था हलाल लेकिन आपने क्या किया, जल्दबाजी की, इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा जल्दबाजी ना करो, मतलब हलाल रास्ते पे रहो, हलाल सोर्स ही की मेहनत करते रहो, वो वक्त आ जाएगा कि अल्लाह हलाल सोर्स से आपका वही मुकद्दर सारा अता कर देंगे, तो ये वो जल्दबाजी से इसे हराम किया है, लेकिन उसको जो मिला है मिला मुकद्दर ही है, जुआ खेलने वाले को मिला मुकद्दर ही मिला है, इसी तरीके से सूद का बिजनेस करने वाले को मुकद्दर ही मिला है, लेकिन इस मुकद्दर को उसने जल्दबाजी की वजह से हराम कर लिया। इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, ऐसी है, एक मुलाजिम काम कर रहा है, महीने के बाद उसको $3,000 तनख्वाह मिलनी है, ठीक, अब वो जो है वो काम कर रहा है, अब वो दिन आ गया जिस दिन तनख्वाह मिलनी थी, अब तनख्वाह उसने मतलब बहुत से शाम को 5 बजे चेक देने थे, अब ये गल्ले पे खड़ा है, ये अभी दोपहर जो है बस 4 बजे उस गल्ले पे खड़ा है, इसने क्या किया, उस गल्ले में से खुद ही $3,000 निकाल के जेब में डाल लिए, अब वो रंगे हाथों कैमरे सीसी कैमरे से देख लिया, बॉस ने पकड़ लिया, कहा कि ये क्या किया तुम, कहा जी वो अभी आपने आधे घंटे घंटे में अपने तनख्वाहें बांटनी है ना, $3,000 मेरी तनख्वाह, मैंने $3,000 अपने निकाल लिए, तो क्या ख्याल है, बॉस उसको शाबाश देगा, क्या चलो यार अच्छा किया, चलो तुम चो जाओ, ये कहेगा नहीं, उसको फौरन वो पुलिस कॉल करके उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा और पैसे भी उससे छीन लेगा, उसको जेल में डाल देगा, हालांकि वो कह रहा है कि यार मेरी पूरे महीने की मेहनत की कमाई अभी तुम खुद भी तो देने वाले थे, मैंने पहले निकाल लिया, कहा कि नहीं नहीं मैं देने वाला था ना, तुमने खुद क्यों निकाला, गले में हाथ क्यों डाला, लिहाजा उसके नतीजे में वो जेल की हवा खा रहा है। तो यही बात है, उसे जल्दबाजी करके वो अपना हक जो उसको मिलना था उसको अपने वो हराम कर लिया, बल्कि मुजरिमों में लिखा गया। बिल्कुल इसी तरीके से सूद और जुए के जरिए से जिस बंदे ने हाथ डाल के पैसा जल्दी कमाने की कोशिश की, उसे अपने मुकद्दर ही पकड़ा, लेकिन उसे हराम रास्ता इख्तियार करके जल्दबाजी करके उस हलाल को हराम कर लिया, बल्कि अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार दिया गया, आखिरत की सजा अलग मिलेगी। अच्छा, माशाल्लाह।